हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ने जो गूगल एड्स के लिए या गूगल ने जो ऑडियंस रिसर्च कर रखी है, उसके रिसर्च करने के बाद उसने ऑडियंस जो बना रखी है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, जब हम ऐड बनाते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस किस टाइप की है, तभी तो हम ऐड बना पाएंगे, तभी तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस के पास पहुँच पाएंगे, नहीं तो हम बस यूं ही सर्च कर लेंगे। डिस्प्ले ऐड के लिए हम कौन सी ऑडियंस सर्च करेंगे, सर्च ऐड के लिए कौन सी ऑडियंस रखेंगे और वीडियो ऐड के लिए। देखिए, यहाँ पर आप देखते होंगे इन मार्केट ऑडियंस। ओके, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग क्लोथ, फुटवेयर, ज्वेलरी, मैचेस, वॉचेस एंड एक्सेसरीज। इन मार्केट ऑडियंस होती है, जैसे हम क्लोथ्स इसको हम सिलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस जो है वो मार्केट में वो इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट है, वो देखती रहती है, वो सर्च करती रहती है, ज्वेलरी सर्च करती रहती है, कोई क्लोथ सर्च करता रहता है, तो ये इन मार्केट ऑडियंस जिनका इंटरेस्ट किसमें है, इसी चीज़ में। जैसे फुटवेयर में देखो, फॉर्मल फुटवेयर, इन मार्केट ऑडियंस क्लोथिंग है, इट मॉडल्स या और यानी जिनका पहनने से रिलेटेड जो ऑडियंस है उनका जिस होता है वो इन मार्केट ऑडियंस है, यानी जिनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ खरीदने में और इन सब चीज़ों में सर्च करने में रहता है। ओके, ये इन मार्केट ऑडियंस उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, तो हमें जब सर्च करेंगे, सर्च ऐड लगाएंगे तो इन मार्केट ऑडियंस का ख्याल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीमार्केट ऑडियंस। रीमार्केट ऑडियंस ये होती है कि जैसे एक बंदा है वो इंटरेस्ट है फुटवेयर में, एक बंदा है वो इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसने क्वेरी की व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक ने क्वेरी की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एक ने क्वेरी की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो तीन बंदे तीनों अलग अलग तरीके से हैं, तो जब कोई बंदा मेरी साइट पे आ गया, ओके, एक बंदा मेरी साइट पे आ गया, अब हम उसको रीमार्केट करना चाहते हैं। हमारी साइट पे तो आ गया किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अब हम उसको रीमार्केट कैसे करेंगे, कभी उसको ब्लॉग के थ्रू रीमार्केट करेंगे, कभी उसको वीडियो के थ्रू रीमार्केट करेंगे, और उसको कभी हम टेम्पलेट देंगे रीमार्केटिंग करने के लिए, ताकि वो बंदा फिर से हमारे उस पर आ जाए और हमारे कोर्स को या हम जो भी चीज़ सेल करना चाहते हैं वो हमें हमसे ले ले, इसे रीमार्केटिंग कहते हैं। तो सर्च में हम रीमार्केट ऑडियंस रखेंगे। उसके बाद एक होता है सिमिलर ऑडियंस, एक होता है यहाँ पर देखिए एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी, यानी वो लोग जो इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट होता है, जिनका बिहेवियर होता है। जैसे एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, उसने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो वो रोज़ रोज इसको तो सर्च नहीं करेगा ना। लेकिन एक बंदा है जो इंटरेस्ट है मैच के ब्लॉग पढ़ने में, क्रिकेट के ब्लॉग पढ़ने में, एक बंदा इंटरेस्ट है जिम के, उसमें उसकी आदत है, उसकी बिहेवियर है कि उसमें उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ता है, एक बंदा बुक है, बुक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता है, तो उसका इंटरेस्ट है। ओके, तो हम उस बिना पर उसको हम टारगेट कर सकते हैं, इसको एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी जिसको हम बोलते हैं। तो हम इसको रखेंगे डिस्प्ले के उसमें। यहाँ पर देखिए एक है डेमोग्राफिक, पैरेंटल स्टेटस पे हम रखेंगे, मैरिटल स्टेटस के बिना पर हम वहाँ पर ऑडियंस सेट करेंगे कि हम ऐड किनको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद एजुकेशन का है, उसके बाद होम ओनरशिप स्टेटस, यानी आप कोई रेंट देना चाह रहे हैं, किसी रेंट पे आप कर रहे हैं, जैसे होम ओनर रेंट है, एजुकेशन में देखिए सारी सीरीज, करंट यूनिवर्सिटी है, ओके, करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, हाईएस्ट लेवल स्टूडेंट है, सेकेंडरी बिचलर है, किनको आप टारगेट करना चाहते हैं। ओके, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, इंग्लिश है, मैरिड है, किनको आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि आपका एक ऐप है वो रिलेशनशिप ऐप है या मैरिड ऐप है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पेरेंटल स्टेटस या पेरेंट्स है, किनको आप टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास सारा डेटा मौजूद है, तो इन्होंने अब जो है नीश कर दिया कि आप इन चीज़ों को, आपके लिए बहुत आसानी कर दी है कि आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं ईजिली। एक है सिमिलर ऑडियंस। सिमिलर ऑडियंस ये होती है कि न्यू यूज़र जो होते हैं वो आपके साइट को विजिट करते हैं क्योंकि उनको वो इंटरेस्ट होता है। तो हमने जाना कि इसमें हम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, कस्टम एफिनिटी, एफिनिटी के बेस पर यानी उनके बिहेवियर इंटरेस्ट के बिना पर। दूसरा कस्टम इंटेंट इन मार्केट, मार्केट में जो इंटरेस्टेड है वो जो एक्टिवली सर्च करते रहते हैं। दूसरा रीमार्केट, या हम उनको रीमार्केटिंग के थ्रू उनको कर सकते हैं। कस्टम मैच,
व्हाट यू नो अबाउट कस्टमर एक्टिविटीज, आपके पास डेटा है, ठीक है, आप उनकी एक्टिविटीज को जानते हैं कि कस्टमर एक्टिविटीज क्या है, तो आप उस हिसाब से आप जो है एड को रन करा सकते हैं। उसके बाद सिमिलर ऑडियंस है, न्यू कमर्स होते हैं वो आपकी साइट पे आ जाते हैं। सिमिलर ऑडियंस ये होती है कि आपकी साइट पे 200 लोग आए, 300 लोग आए, तो लेकिन आप ये चाहते हैं कि और इस तरह से हमारे पास ऑडियंस आए, तो आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, पैसे हैं, तो आप और ऐड कराएंगे, उस तरह से आप ऑडियंस आप लेंगे, गूगल को आप देंगे कि हाँ भाई मुझे इस तरह से ऑडियंस चाहिए और मेरे पास इतना पैसा है, मैं लगा रहा हूँ, तो वो ऑडियंस आपको ला कर, चूंकि उनके पास ऑडियंस मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि जो 200 लोग आपके साइट पे आए थे वो आपकी साइट से रिलेवेंट थे, तो आप उस तरह से और लोगों को, तो आपके पास 5 ऑप्शन है, एक कस्टम एफिनिटी यानी इंटरेस्ट बिहेवियर की बिना पर, उसके बाद जो मार्केट में लोग सर्च करते हैं इन मार्केट, फिर रीमार्केटिंग, फिर उसके बाद कस्टम मार्केट, उसके बाद सिमिलर ऑडियंस, तो इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं और इजीली आप अपना मार्केट, अपनी मार्केट बना सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।